न्यूट्रीचार्ज बीजे एक ऐसा हेल्थ सप्लीमेंट जो घुटने के दर्द से प्रभावित लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी हो सकता है। घुटने के दर्द से नामालूम कितने लोग प्रभावित हैं और चलने फिरने और सीढ़ियाँ चढ़ने में विशेषतः परेशानी अनुभव करते हैं। घुटने आखिर क्यों दुखते हैं? ये दुखते हुए घुटने हमारे जीवन के लिए काफ़ी बड़ी समस्या बन जाते हैं। एक बड़ा सरल अगर मैं उदाहरण दूँ तो आपने देखा कि जैसे जीवन में हम कुछ चीज़ें अगर उपयोग करें तो घिस जाती हैं। रबड़ अत्यधिक इस्तेमाल से घिस जाता है, साइकिल का टायर अत्यधिक इस्तेमाल से घिस जाता है। तो एक सरल उदाहरण के रूप में अगर हम लें तो अत्यधिक उपयोग से, अत्यधिक दबाव से हमारे शरीर के घुटने घिस जाते हैं, घुटने के जोड़ घिस जाते हैं और उसके बाद समस्या का आरंभ होता है। घुटने, हड्डियाँ, इनका हमारे लिए क्या महत्व है या जोड़ों का और हड्डियों का हमारे लिए क्या महत्व है? दरअसल जोड़ और हड्डियाँ हमारे शरीर को स्थायित्व देते हैं, मजबूत रखते हैं, सहारा देते हैं और हमारे को सक्रिय रहने में मदद प्रदान करते हैं। इसलिए मजबूत हड्डियाँ और जोड़ जरूरी हैं। हमारी हड्डियाँ कैसे बनी? ये चित्र अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हड्डियाँ दरअसल प्रोटीन की एक जाल से बनी हैं और इस प्रोटीन के जाल में विभिन्न मिनरल, विटामिन इत्यादि, खासकर मिनरल, खनिज उसमें डिपॉजिट होते हैं। उसमें उनके जमाव से इन हड्डियों को मजबूती मिलती है। लेकिन अगर आप इन दोनों चित्रों में अंतर देखेंगे तो पाएंगे कि बढ़ती उम्र में हमारी हड्डियों की ये जाली या हमारी हड्डियों का ये जो घनत्व है ये कम हो जाता है, हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं और ये एक बड़ा कारण बनती हैं हमारे घुटने और अन्य जोड़ों के दुखने का। ऐसा क्यों होता है और ऐसा हमें कब पता चलता है? सबसे पहला लक्षण और सबसे आसानी से पकड़ में आने वाला लक्षण कि हमारे घुटने काम नहीं कर रहे हैं वो तब होता है जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। एक दिन आप जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे रहते हैं तो आपको महसूस होता है कि शायद आप आराम से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे हैं, आपका घुटना उस दबाव को नहीं सह पा रहा है। चलिए समझते हैं कि ये क्या कारण है कि आपका घुटना सीढ़ियाँ चढ़ने के दबाव को नहीं सह पा रहा है। दरअसल घुटने में एक सतह होती है जो घिस जाती है। थोड़ा सा घुटने के अंदर चलते हैं और समझते हैं कि आखिर वो कौन सी सतह है जिसके कारण, या कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जिसके कारण हमारे घुटनों में ऐसे दर्द भरे एहसास आते हैं कि घुटना अकड़ गया है, घुटना थोड़ा सा दर्द कर रहा है, हमें चलने फिरने, सीढ़ियाँ चढ़ने में खासकर परेशानी आ रही है। जिनके घुटने दुख रहे रहते हैं उन व्यक्तियों के घुटने के जोड़ में चार प्रमुख अंतर आ जाते हैं। क्या अंतर है देखना चाहेंगे? देखिए, जहाँ हमारे घुटने के जोड़ रहते हैं, जहाँ दो हड्डियाँ मिलती हैं, उन दो हड्डियों के बीच में एक कार्टिलेज की परत रहती है जो आप इस चित्र में देख रहे हैं। जब हम युवा रहते हैं, जब हमारे घुटने स्वस्थ रहते हैं तो ये कार्टिलेज की परत काफ़ी मोटी रहती है और हड्डियों को आपस में घिसने से, घर्षण से बचाती है। बढ़ती उम्र के साथ, अत्यधिक वजन के साथ या किसी आघात से धीरे धीरे ये कार्टिलेज घिस जाती है। कार्टिलेज घिस जाने से क्या होता है? अब जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं कि इस व्यक्ति के घुटने की कार्टिलेज घिस गई है। कार्टिलेज के घिस जाने से कार्टिलेज के नीचे की जोड़ों की हड्डियां बाहर उभर आती हैं और जो हड्डियां सामान्यतः कार्टिलेज के रहते आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर पाती हैं वो अब आपस में एक दूसरे से घर्षण करती हैं और घुटने में दर्द होता है, दर्द महसूस होता है। क्या कुछ और भी अंतर आते हैं? जी हाँ, तीन और अंतर आते हैं। तो वो दूसरा महत्वपूर्ण अंतर क्या है? दरअसल घुटने के अंदर तरलता लाने के लिए और घुटने के अंदर दबाव को सहने के लिए एक द्रव्य होता है। वो घुटने का द्रव्य गाढ़ा और चिपचिपा रहता है और ये घुटने का द्रव्य एक शॉक एब्जॉर्बर का सा काम करता है ताकि हड्डियां आपस में ज़्यादा ना टकराएं और जब आप चलें फिरें या सीढ़ियां चढ़ें तो उस दबाव को सहने में घुटने की ये द्रव्य मदद करता है। जिन लोगों के घुटने में दर्द होता है उसमें पाया गया है कि इस द्रव्य की मात्रा और गुणवत्ता दोनों घट जाती है। मात्रा घट जाने से वो हड्डियाँ पास पास आएंगी और अगर उसका चिपचिपापन घट गया, तरलता घट गई तो वो, चिकनाई घट गई तो वो दोनों हड्डियों को एक दूसरे के ऊपर फिसलने से सहयोग नहीं कर पाएगा। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण अंतर है, यानी कि घुटने के जोड़ों के द्रव्य की मात्रा और चिकनाहट का घट जाना। क्या और भी कुछ अंतर आते हैं? जी हाँ, अब ये दोनों अंतर आ गए। एक तो दोनों हड्डियों के बीच का कार्टिलेज का परत घिस गया, एक घुटने के जोड़ के बीच का द्रव्य घिस गया। तो जो सामान्यतः जो दोनों हड्डियाँ एक दूसरे से थोड़ा दूर रहती हैं और आपस में थोड़ा बिना घर्षण के घुटना काम कर पाता है, अब ये दोनों हड्डियाँ नज़दीक आ जाती हैं। इसको जॉइंट स्पेस कहते हैं और ये जॉइंट स्पेस जिन व्यक्तियों के घुटने में दर्द होता है
घट जाता है, ये प्रमाण है। ये जो आप देख रहे हैं ये वास्तविक एक्सरे है, एक तरफ स्वस्थ व्यक्ति का है और एक तरफ उस व्यक्ति का है जिसके घुटने के जोड़ों में दर्द है। आप देख सकते हैं कि जॉइंट स्पेस यानी दोनों हड्डियों के, घुटने की दोनों हड्डियों के बीच की जो जगह है, खाली जगह है, वो घट गई है। यानी घुटना अब धीरे धीरे अपनी तरलता, अपनी अपनी इलास्टिसिटी क्या कहेंगे उसकी, मुड़ने की क्षमता को खोता जा। क्या और भी कुछ अंतर आता है? जी हाँ, एक चौथी चीज और आती है कि दरअसल देखिए घुटना भी अल्टीमेटली, घुटना भी वास्तविकता में हड्डियों मांसपेशियों के जोड़ संयोजन से ही बना है। अगर ये मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत नहीं रहेंगी तो बाकी जोड़ों की प्रकार घुटना भी आपके शरीर के बोझ को, दबाव को नहीं सह पाएगा। तो ये हड्डियां भी उम्र के साथ, जो हमने पहले दिखाया था, धीरे धीरे अपनी ताकत, अपना घनत्व खो बैठती हैं, वो थोड़ी भंगुर हो जाती हैं, यानी थोड़ी सी कमजोर पड़ने लगती हैं, इसलिए भी आपके घुटने दुखते हैं। तो ये चार प्रमुख बातें ऐसी हैं जो हमारे घुटने के दर्द के कारण बनती हैं। एक बात समझ में नहीं आई, आखिर सीढ़ियां चढ़ते समय ही हमारे घुटनों में ज़्यादा दर्द क्यों होता है? दरअसल जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो सामान्य से करीबन 4 से 5 गुना ज़्यादा दबाव हमारे घुटनों पर पड़ता है, इसीलिए क्षतिग्रस्त जोड़ वाले घुटने सीढ़ी चढ़ते समय सबसे ज़्यादा दुखते हैं।